सभा में मौजूद सभी गणमान्य एवं विशिष्ट जनों को सादर नमस्कार फेयरवेल विदाई यह शब्द सुनते ही मन भर उठता है लेकिन कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर रहने वालों के लिए यह जीवन की किताब का एक अहम पन्ना बन जाता है जहाँ ठहराव नहीं नया आरंभ होता है आज ऐसे ही एक सुनहरे पन्ने को संसद की इस किताब में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने और यादों को संजोकर कर यहाँ से कदम आगे बढ़ाने के लिए हम सभी संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एकत्रित हुए हैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन अब मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करें थी दा। थी दा। धन्यवाद मानेवर अब मैं आग्रह करती हूँ लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मान में संसद सदस्यों की ओर से विदाई संदेश प्रस्तुत करें माननीय राष्ट्रपति जी माननीय उपराष्ट्रपति जी माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मंत्रीगण संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण अतिथिगण माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति हम सबके भावों की अभिव्यक्ति करने वाला एक सम्मान पत्र मैं अब आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी भारत की संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए आज गर्व का अवसर है कि जब वे राष्ट्र की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता सम्मान श्रद्धा और साधुवाद व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं भारत गणराज के राष्ट्रपति के रूप में पाँच वर्ष के कार्यकाल के दौरान आपने इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है इसके लिए हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं महोदय उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव परोक्ष से भारत के राष्ट्रपति के शीर्ष पद तक पहुँचने की आपकी यात्रा हमारे लोकतंत्र की एक अद्भुत एवं प्रेरक उपलब्धि है सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित तथा जन सामान्य के कल्याण को लक्षित करके लिए किए गए कार्यों से आपने ये सिद्ध किया है कि आप एक बहुआयामी संवेदनशील जनसेवक हैं वर्ष उन्नीस में दिल्ली बार काउंसिल के एक अधिवक्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद आपने दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए निर्धन और वंचित लोगों की पूरी समर्पण के साथ मदद की है उसके उपरांत राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने दो कार्यकालों के दौरान आपने संसदीय समिति के सदस्य के रूप में तथा राज्यसभा की आवास समिति के सभापति के पद पर रहते हुए देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है महोदय आपका दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ साधन है इसी भावना से संसद सदस्य के रूप में आपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया है आपने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी और समाज के वंचित वर्गों विशेष रूप से दिव्यांगों और अनारश्रितों के लिए अधिक अवसरों के सर्जन के लिए आपने निरंतर प्रयास किए हैं जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता लोक सेवा के प्रति आपके समर्पण का प्रमाण है महोदय वर्ष दो पंद्रह में बिहार के महामहिम राज्यपाल के पद पर आसीन होने के बाद आपने संविधानिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए शांतिपूर्ण तरीकों से और संवाद के माध्यम से अनेक मुद्दों का समाधान किया जिसके लिए एक स्वर से आपकी सराहना की गई कुलाधिपति के रूप में अपने राज्य के विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों के सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए गए इसके अतिरिक्त आपने कुलपतियों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने एवं विश्वविद्यालयों के बेहतर विनियम के लिए एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया महोदय जब आपको वर्ष 2017 में भारत गणराज के चौदहवें राष्ट्रपति के रूप में भारत के राष्ट्र अध्यक्ष का दायित्व मिला तो आपने अपने पद की अपेक्षाओं एवं चुनौतियों को गरिमा एवं विनम्रता से स्वीकारते हुए पदभार को ग्रहण किया आपके विनम्र स्वभाव तथा कार्यशैली ने हम सभी सांसदों के मन में एक विशिष्ट स्थान बनाया है संसद में दिए गए आपके अभिभाषण आपकी दूरदर्शिता देश के समक्ष उपस्थित राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों की गहरी समझ एवं उनके समाधान हेतु आपकी स्पष्ट सोच को प्रदर्शित करते हैं आपके अभिभाषण ने सभी दलों के लोगों को समान रूप से प्रेरित किया है और उनके दायित्वों के प्रति भी जागृत किया है यही कारण है कि आपको सभी दलों के नेताओं का पूर्ण सहयोग मिला है तथा हम सब आपको संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के संरक्षक के रूप में देखते हैं हमें स्मरण है कि पद ग्रहण करने के बाद जब आप पहली बार अपनी जन्मस्थली गए थे तब आपने भाव विपुल होकर वहाँ की धरती को नमन किया था तथा कानपुर की अपने शिक्षण संस्थान में आपने मंच से नीचे उतरकर शिक्षकों का चरण स्पर्श किया था आपकी इन्हीं विशेषताओं ने नागरिकों का दिल जीता है और वे आपके साथ विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं महोदय राष्ट्रपति के रूप में आपके कार्यकाल को अनेक मधुर और स्मरणीय पलों के कारण सदैव याद रखा जाएगा स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित उस एट होम रिसेप्शन को आज भी याद किया जाता है जिसमें आपने असंख्य लोगों का जीवन बचाने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर के रूप में मई 2018 में सियाचिन में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट में तैनात सैनिकों से आपकी ऐतिहासिक मुलाकात पीएम एम केयर्स निधि में एक माह के वेतन का दान करने का आपका अनुकरणीय योगदान कोविड 19 के विरुद्ध संघर्ष के दौरान अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए मित्रता के उपायों के साथ एक वर्ष के लिए अपने वेतन के 30 प्रतिशत भाग का परित्याग करना ऐसे कई उदाहरण हैं जो देश की सामूहिक चेतना में स्थायी रूप से अंकित रहेंगे भारतीय संविधान के सिद्धांतों का अक्सर से पालन राजनीति निष्पक्षता के लिए आपकी प्रतिबद्धता और राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने जैसे आपके अनुकरणीय कार्य आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे महोदय आज जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के पिछहत्ते वर्ष में है हमारा सौभाग्य कि हम आपके दूरदर्शी एवं अनुभवी मार्गदर्शन में अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बाबा साहेब अम्बेडकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान नेताओं से प्रेरित रहें आपकी सरलता विनम्रता तथा परहित को सौहित से अधिक महत्व देने के स्वभाव से ये स्पष्ट है कि आपने इन महापुरुषों के विचारों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अनुसरण किया है हमें पूर्ण विश्वास है आपके विचार तथा आपका व्यक्तित्व वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी के लिए भी स्रोत बने रहेंगे हम आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना करते हैं जय हिंद धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को विदाई संदेश भेंट करें धन्यवाद मान्यवर अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी जी से से कि आप दोनों संयुक्त रूप माननीय राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट करें अब आप दोनों से अनुरोध है कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर पुस्तिका भेंट करें सादर धन्यवाद अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से कि वे विशिष्ट जनों की सभा को संबोधित करें और हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी सभी सम्मानित सांसदगण विशिष्ट अतिथिगण देवी और सज्जनों, आज आप सबसे जब मैं विदा ले रहा हूँ तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियाँ उमड़ रही हैं इसी परिसर में जिसे सामान्यतया सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है वर्षों तक एक सांसद के रूप में मैंने ना जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए पाँच साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोकतंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा आप सबके लिए यह विशेष गौरव की बात है कि आप सब भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं भारत की जनता ने आप सबके माध्यम से मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से जिस दायित्व को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसका निर्वहन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है आप सबने मेरे प्रति जिस अटूट विश्वास का परिचय दिया उसके बल पर मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सका मेरे सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे माननीय सदस्यगण राष्ट्रपति और सांसद गण उसी विकास पथ के सह यात्री हैं जो हमारे देश को प्रगति की उच्चतर उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है इस पथ को प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों ने हमारे संविधान की रचना करके हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों को ही हमारे संविधान की रचना का श्रेय जाता है लेकिन वह ऐतिहासिक कार्य उन्होंने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में किया था इसीलिए हमारा संविधान हम भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया भारत के लोग ही अपने प्रतिनिधियों अर्थात आप सभी माननीय सांसदों के माध्यम से अपने गणतंत्र की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं इसीलिए संसद को लोगों के तंत्र यानी लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है देवियों और सज्जनों हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है इस संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप अपनी भावना का समावेश करते हुए मैं राष्ट्रपति को संसदीय परिवार के अभिन्न अंग के रूप में देखता हूँ जैसा कि किसी भी परिवार में होता है संसद में भी कभी कभी मतभेद होते रहते हैं आगे का रास्ता कैसे तय करना है इस विषय पर विभिन्न दलों के विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यह विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं जब हम पूरे राष्ट्र को एक विशाल संयुक्त परिवार के रूप में देखते हैं तो ये समझ में आता है कि पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं जो शांति सद्भाव और संवाद पर आधारित होते हैं विरोध प्रकट करने के अनेक संवैधानिक रास्ते राजनैतिक दलों और नागरिकों को उपलब्ध हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांति और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल किया था लेकिन वे दूसरे पक्ष का सम्मान भी करते थे हमारे नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है लेकिन मेरे विचार से इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी तौर तरीकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए माननीय सदस्यगण मेरे कार्यकाल के दौरान दो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनेक यादगार समारोह पूरे देश में आयोजित किए गए इस संदर्भ में मैं स्वच्छ भारत अभियान की परिवर्तनकारी उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूँगा यह कहा जा सकता है कि स्वच्छता का यह राष्ट्रीय अभियान सरकार और देशवासियों की ओर से महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहा है दूसरे ऐतिहासिक आयोजन के रूप में भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशवासियों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है मैं इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों से जुड़े अत्यंत प्रभावशाली आयोजनों के लिए देश की जनता व सरकार को बधाई देता हूँ इन कार्यक्रमों में युवाओं से लेकर वयोवृद्ध नागरिकों तक सभी के द्वारा समान उत्साह के साथ भागीदारी और देश के गौरवशाली इतिहास से उनके जुड़ाव को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है माननीय सदस्यगण वर्ष 2020 में देखते देखते हमारी दुनिया बदल गई लगभग 100 साल बाद एक वैश्विक महामारी ने मानवता को झकझोर कर रख दिया कोविड COVID-19 की त्रासदी के दुष्परिणामों से पूरी दुनिया अब तक जूझ रही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब यह आशा करते हैं कि पूरा विश्व समुदाय इस महामारी से भविष्य के लिए उपयोगी सबक हासिल करेगा पहला सबक यह है कि मानव समाज ये भूलने लगा था कि वह प्रकृति का ही एक अभिन्न हिंसा है हिस्सा है वास्तविकता यह है कि वह न तो प्रकृति से अलग है और न ही प्रकृति से ऊपर है महामारी का प्रकोप कुछ हद तक पर्यावरण में हुए असंतुलन से भी जुड़ा है पिछले दो वर्षों की विभीषिका ने यह भी याद दिलाया है कि पूरी मानवता वास्तव में एक ही परिवार है और सभी का अस्तित्व आपसी सहयोग पर निर्भर करता है कोविड का सामना करने में भारत के प्रयासों की विश्वव्यापी सराहना हुई है सबके प्रयास से हमने केवल 18 महीने में ही 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है कोरोना काल में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी पहुंचाया। यदि हम अपनी नीतियों के निर्धारण में इस वैश्विक महामारी से प्राप्त शिक्षाओं को अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में किसी गंभीर आपदा के आने पर उसका सामना हम अधिक दक्षता और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे जलवायु परिवर्तन अब वाद विवाद का विषय नहीं रह गया है बल्कि इसके परिणाम हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करने लगे हैं प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव तथा मानवता की साझा नियति में विश्वास पर्यावरण की रक्षा करने में हमारी मदद कर सकता है इस संदर्भ में ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में भारत की अग्रणी भूमिका तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने की पहल विशेष रूप से सराहनीय है माननीय सदस्यगण जब मैं जनसेवक के रूप में अपने और सरकार के प्रयासों के बारे में सोचता हूँ तथा अपनी पूरी पीढ़ी की ओर से विचार करता हूँ तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हालांकि बहुत कुछ किया गया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है हमारा देश धीरे धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से डॉक्टर आम्बेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है मैं मिट्टी से बने एक कच्चे घर में पला बढ़ा हूँ लेकिन अब ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है जिन्हें आज भी उन कच्चे घरों में रहना पड़ता है जिनमें छत से पानी टपकता हो आज बड़ी तादाद में हमारे गरीब भाई बहनों के पास भी पक्के घर हैं यह बदलाव काफ़ी हद तक सरकार के विशेष प्रयासों से संभव हो सका है अब हमारी बहुत सी बेटियों और बहनों को पीने का पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता है क्योंकि हमारा प्रयास है कि हर घर नल से जल पहुँचे हमने हमने घर घर में टॉयलेट्स भी बनवाए हैं जो एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की नींव डाला है नींव डाल रहे हैं सूर्यास्त के बाद लालटेन या दिया जलाने की यादें भी यादें भी पुरानी हो रही हैं जो कि लगभग सभी गांव तक बिजली का उजाला पहुंच गया है जैसे जैसे हमारे देशवासियों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उनकी आकांक्षाओं में भी बदलाव आ रहा है इस बदलाव का बड़ा रोचक एहसास पिछले महीने ही मैंने अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान देखा जब वहाँ एक वृद्धा आश्रम में रहने वाली एक महिला ने मुझसे हेलीकॉप्टर की सवारी कराने का अनुरोध किया आज सामान्य देशवासियों के सपनों को उड़ान मिल रही है यह बदलाव भेदभाव रहित सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है सामान्य जीवन के सामान्य जन के जीवन को बेहतर बनाने वाली यह समावेशी प्रगति बाबा साहब आम्बेडकर की परिकल्पना के सर्वथा अनुरूप है महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना को निरंतर मजबूत होते देखकर मुझे विशेष संतोष का अनुभव होता है यह सशक्तिकरण युवा पीढ़ी की हमारी बेटियों को और आगे बढ़ा रहा है मैंने जितने दीक्षांत समारोहों में भाग लिया है उनमें से अधिकांश संस्थानों में मैंने देखा है कि बेटियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बदलाव को और तेजी से आगे बढ़ाएगी मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में महिला सशक्तिकरण से हमारा समाज और अधिक मजबूत होगा स्त्री पुरुष के बीच समानता के इस अभियान का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति में भी परिलक्षित होता है माननीय सदस्यगण अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं राष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उनका चुनाव महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के साथ साथ समाज के संघर्षशील लोगों में महत्वाकांक्षा का संचार करने वाला है पूरे मुझे पूरा विश्वास है कि उनके अनुभव विवेक और व्यक्तिगत आदर्श से पूरे देश को प्रेरणा मिलेगी और मार्गदर्शन भी मैं एक बार फिर आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ आप सबके साथ काम करने का मेरा अनुभव अविस्मरणीय रहा है आप सब ने संसद के अंदर और बाहर देश की जनता के हित से जुड़े अनेक कार्य किए हैं इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ अपने कार्यकाल के दौरान मैंने आप सबके साथ विभिन्न आयोजनों में विचारों का आदान प्रदान किया है मैं समय समय पर सांसदों के तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के अनेक प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करता रहा हूँ राष्ट्रपति के पद को आप सब ने जिस प्रकार निरंतर सम्मान दिया है उसकी मैं सराहना करता हूँ इस दौरान मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ काम करने का भी अवसर मिला है उन सब ने मुझे जो विशेष सम्मान दिया है उसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता मैं उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू को उनके सतत सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ वेंकैया जी ने राज्यसभा के वेंकैया जी ने राज्यसभा के सभापति के रूप में और ओम बिरला जी ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जिस तरह संसद के कार्यकलापों को संचालित किया है तथा देश की महान संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाया है उसके लिए आप दोनों बधाई और सराहना के पात्र हैं मुझे राज्यों के राज्यपालों व मुख्यमंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों व प्रशासकों से भी पूरा सहयोग मिलता रहा है उन सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुझे विश्वास है कि आप सभी सांसदगण हमारे सभी देशवासियों विशेष रूप से जो विकास यात्रा में पीछे रह गए हैं उनकी सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे साथ ही आप सब हमारे महान संविधान के अनुरूप सर्वोच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत बनाएंगे मेरी शुभकामना है कि आप सब समाज व राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाने के अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें धन्यवाद जय हिंद